बिटिया और बस्ता अजब सी कहानी है, पर कुछ इस तरह चलती है कि वीकडे से वीकेंड के इंतजार में हम सब कहीं खो जाते हैं और घर पहुंचकर इतना थकते हैं ना कि बस पहुंचते ही सो जाते हैं। अब इससे ज्यादा दिन क्या गुजारेंगे हम बदहाली में कि छुट्टी वाले दिन भी घर पे रहते हैं ना, तो रहते हैं बेख्याली में। इस बात का वो मेरे चेहरे पर अफसोस देख रही थी, पर ऐसा नजारा तो वो घर पे हर रोज देख रही थी। तो फिर कभी मुझसे बात करती या कभी सो जाया करती थी या कभी अपनी ऑनलाइन वाली कहानियों में खो जाया करती थी। तुम कहोगे यार मासूम फरिश्ते हैं, हाँ तो उनको उनके हिस्से का वक्त देना चाहिए, पर तब क्या कीजिएगा जब आपकी बिटिया आपके हाथ में आपका मोबाइल रखकर कहे कि मुझे ये चाहिए। खैर इससे पहले ऐसी कई चीजें देखकर मैंने उसका मन तो रखा था, पर इस बार उसे चाहिए था वो बस्ता जो उस कहानी में किसी किरदार ने पहन रखा था। मैं बड़ी ही देर तक उसकी तरफ देखने लगा, फिर ये जानते हुए भी कि वो नहीं समझेगी, मैं फिर भी उससे कहने लगा कि बहुत जल्द जो जिंदगी भर चलेगा खत्म नहीं होगा, तेरी भी जिंदगी में वो रास्ता आ जाएगा, बस एक साल की दरकार है बिटिया, और फिर तेरे कांधे पर भी एक बस्ता आ जाएगा। फिर वक्त लम्हा दर लम्हा पिघलने लगेगा, वक्त जैसे शायर कहते हैं ना रेत की तरह फिसलने लगेगा, वक्त उस खाब की तरह होगा जो कभी आंखों में टूटेगा नहीं, एक बार जो कांधे पे बस्ता चढ़ गया ना तो ये छूटेगा नहीं। बड़ी डबडबाती आंखों से सुनने लगी वो एक अजब सी कहानी, जब मैंने उसे समझाया कि तेरे पहले बस्ते में होंगी कुछ चीजें बचकानी जो साकी दुनिया में सच नहीं होते, होंगे कुछ ऐसे सपने सलोने, तेरे पहले बस्ते में होगी एक टूटी सी गुड़िया और बिखरे हुए खिलौने। हाँ और फिर जैसे ही वक्त सफर तय करेगा इस मार्च से उस फरवरी का, तेरे कांधे पे चढ़ जाएगा एक बस्ता नर्सरी का, फिर बिटिया बड़ी हो गई है अब स्कूल जाएगी, ऐसी बातें होंगी, तेरे नर्सरी वाले बस्ते में तेरी पहली किताबें होंगी। हाँ और डगमगाते कदमों से चलने वाली ये बिटिया जब टपटपाते कदमों से आगे बढ़ने लग जाएगी, नर्सरी जाने वाली बिटिया जब स्कूल जाकर पढ़ने लग जाएगी, तो अलमारी का एक हिस्सा खंगाल कर उसमें से सारे सामान निकाल कर रखूंगा और उसी हिस्से में तुम्हारे नर्सरी वाले बस्ते संभाल कर रखूंगा। इस दुआ के साथ कि तेरे जिंदगी के सारे सपने सच तो हों, और इसलिए भी कि जब तू किसी और घर चली जाए तो मेरे पास याद रखने के लिए कुछ तो हो। स्कूल जाना, स्कूल से घर लौट आना और फिर कहीं और पहुंच जाना, यही जद्दोजहद हर पल होगी। अब वो नर्सरी वाला बस्ता स्कूल बैग बन जाएगा और उसमें पानी की एक बोतल होगी। बदलते वक्त के साथ जैसे तुम्हारे चेहरे के रंग बदलेंगे, ठीक उसी अंदाज में तुम्हारे बस्ते भी अपने ढंग बदलेंगे। फिर एक वो वक्त आएगा जब ये जमाना तुम्हें देखने के लिए बेकरार होगा। नहीं नहीं ये हॉल वाले बात होगी, एग्जामिनेशन हॉल वाली बात होगी, जब तुम्हारा बस्ता हॉल टिकट लिए 10वीं के एग्जाम के लिए तैयार होगा। फिर इसके बाद जिंदगी में वो वक्त आएगा जिसका हर एक लम्हा हर एक पल खास होगा। अब तक कांधे पे चढ़ के बैठा बस्ता अचानक कांधे से क्रॉस होगा, जिसे बड़ी मोहब्बत शिद्दत और अदायगी के साथ तुम अपने कांधे पे सजाओगी। उसमें होंगे ग्रीटिंग कार्ड, कुछ फूल, किसने दिए हैं तुम मुझे नहीं बताओगी। बहुत जल्द जिंदगी से गायब पर ये जुनून होगा, कुछ देर के लिए सही पर पहली चाहत और रिश्तों का सुकून होगा। पर एक वो वक्त भी आएगा जब ये बातें सिर्फ यादें बन जाएंगी और तुम्हारे बस्ते में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रिज्यूम होगा। तब 9 से 5 की एक जंग शुरू होगी जिसमें टारगेट की मिसाइलें होंगी, ग्रीटिंग कार्ड और क्रेयॉन्स और स्केचपेन संभालने वाली बिटिया के बस्ते में लैपटॉप और लैपटॉप की फाइलें होंगी। इसी अंदाज में तुम भी अपने पैर पर खड़ी हो जाओगी, मुझे चिंता कुछ सताएगी तो जब तुम थोड़ी बड़ी हो जाओगी। फिर एक वो भी दिन आएगा जब लाल लिबास पहने तुम किसी और घर अपने मेहंदी वाले हाथ लिए जाओगी, एक वो नर्सरी वाला छोड़कर जो मैंने छुपाया है, बाकी सारे बस्ते अपने साथ लिए जाओगी। तब तुम्हारे नाम के आगे वर्किंग मदर, हाउसवाइफ या ऐसे ही किसी नाम का टैग होगा। तब तुम्हारे सारे बस्ते पर्स बन चुके होंगे और घर में बच्चों वाला स्कूल बैग होगा। फिर एक बेटा ही जिंदगी की आखिरी उम्मीद है, इस रस्म को भी तोड़ आओगी जब किसी पुराने बस्ते में लाल कपड़े में लपेटे हुए मुझे गंगा किनारे छोड़ आओगी। बहुत जमाने बाद जब खत्म जिंदगी की ये रेस होगी, तब तुम्हारे पास कोई बस्ता नहीं होगा, एक दादी की तरह पुरानी सी सूटकेस होगी जिसे खोलकर तुम देखोगे कि मैंने जिंदगी भर सारी यही विरासत तो कमाई थी, जिसमें होगी कुछ पुरानी किताबें, माँ पापा की तस्वीरें और एक पोटली दवाई की। वक्त के साथ हर किसी को अपना रिश्ता निभाना होगा, जब जिसकी बारी आ जाएगी तब उसे दुनिया से जाना होगा। पर हमारे जाने के बाद कुछ नहीं याद करने की वजह होगी, शायद तुम्हारी मेरी यादों की या हमारे बस्तों की सिर्फ स्टोर रूम एक जगह होगी, जहां जिंदगी के बाद की ये जिंदगी गुजरेगी, कभी पतझड़ कभी बहारों के साथ। क्या पता किसी रद्दी वाली दुकान में हम भी पहुंच जाएंगे पुराने अखबारों के साथ, और फिर
तुम्हें जो कहा था ना, जो कभी खत्म ना होगा चलता रहेगा, शायद हम भी वो रास्ता हो जाएंगे, क्या पता किसी मशीन में छप कर किसी और के कांधे का बस्ता हो जाएंगे। मैं जानता हूं मैं बातों ही बातों में उसे जिंदगी के कारोबार में ले गया, यही कहानी सुनाते हुए मैं उसे बाजार में ले गया। इससे पहले मैंने कभी उसको इतनी लम्हों से नवाजा नहीं था, उसके चेहरे की खुशी का अंदाजा नहीं था। आज मैं उसे जिंदगी के हर फलसफे सिखाने को रजामंद हो गया था और उसने भी खरीद लिया या पसंद कर लिया वो बस्ता जो पिछले कुछ घंटों से उसे पसंद हो गया था। अब घर लौट कर उस बस्ते में खिलौने डालते निकालते किताबें संभालते आधी रात हो गई थी। बिटिया इस बात से बेखबर थी कि उसके जिंदगी में बस्तों की शुरुआत हो गई थी। दुआ बस यही है कि हर उम्र हर दौर में मिले उसको ऐसा ही चेहरा खिलखिलाता हुआ और हंसता। यही मेरी कहानी है, मेरा जुनून है बिटिया और बस्ता। तो ये खास कविता जो है मेरी पेशकश है मेरी तरफ से मेरी बिटिया के लिए, निहारिका मेरी बेटी का नाम है। आज उसका जन्मदिन है, 16 जनवरी ये तारीख है, बहुत ही खास है मेरे लिए जिंदगी में, और उसी के लिए लिखा है और मेरे ख्याल से हर उस बेटी के लिए है। क्योंकि जब बस्ते को आप कंधे पर डालते हैं तो बस्ता और बिटिया दोनों साथ में बड़े होते हैं, और उस जरिए कहानी पेश करने की कोशिश। और बहुत शुक्रिया टीक्यूसी को इसलिए भी चुना क्योंकि इस मंच से वो कहानियाँ जाती हैं जो आपके दिल को छू सके, जो आपकी अपनी है, जो शायद आपको लिखने की जरूरत ना पड़े बस सुनाने की जरूरत है। सो द क्विल कंपनी का धन्यवाद, देवांशु थैंक्स। सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी और ऐसी बहुत ही बेहतर कहानियां आपके बीच हैं।